नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। डे ट्रेडर्स या FNO में पैसा लगाकर कोई पैसा नहीं कमा सकता, यह गलत धारणा डाल दी गई है कि आप डे ट्रेडिंग कीजिए, FNO में काम कीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। कोई अमीर ऐसे नहीं बना, आप अपना पैसा गंवाएंगे। सेबी कहती है 90% डे ट्रेडर जो पैसा गंवाते हैं, एक्चुअल फिगर तो 99% की है। 56,000 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले साल इंट्राडे करने वालों का, जबकि मंथली सिर्फ 23,000 करोड़ की है इंडिया की म्यूचुअल फंड्स की। पैसा गंवाते हैं लोग, और 25,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक जो पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर पैसा वो लोग गंवाते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि हम बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे। उनको एक गलत फहमी भी हो जाती है कि हम काम सीख गए, ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, नया काम हम सीख गए हैं, जल्दी ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, 99% लोग पैसा गंवाते हैं। इसलिए बचिए इंट्राडे से, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आज दोस्तों जो हम शेयर आपके लिए लेके आए हैं, यह शेयर स्टील पाइप्स और स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी का है। दाम तो इसके 240 रुपये से भी कम है। कंपनी जीरो डेट है, अच्छा बिजनेस मॉडल है और फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। बोनस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए, आपका लाइक करना हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज हम शेयर जिस पर बात करेंगे वो JTL इंफ्रा लिमिटेड है। JTL इंफ्रा लिमिटेड, इसके हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे और साथ ही प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान से हमारे साथ रहिए, देखते हैं। JTL इंफ्रा लिमिटेड भारत में विनिर्माण सुविधाओं के साथ स्टील ट्यूब पाइप और संबंध उत्पादों का एक एकीकृत यूनिफाइड निर्माता और आपूर्ति करता है। इसका उत्पाद पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कंपनी के उत्पाद पेशकशों में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ERW बोलते हैं इसको, काले और खोखले स्टील ट्यूब पाइप्स और मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे सौर मॉड्यूल माउंटिंग संरचनाएं पैनल और गर्म डुबा जस्ती स्टील ट्यूब्स पाइप्स आदि शामिल हैं। इसके ये क्वालिटीज हैं अलग अलग, इनको किसी भी तरह कह लीजिए, ये तो एक बताने की बात ही है। इसके ग्राहक देख लेते हैं, ग्राहक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है इसके पास। टाटा पावर, अवांडा, हरगर जल, IGL, अशोक लीलैंड, महानगर गैस, सुजलोन, सीमेंस, एल्कन, भेल आदि है। कंपनी के उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिसमें जल परिवहन, कृषि, बुनियादी ढांचा, सौर ऊर्जा, भारी वाहन ऊर्जा और इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र हैं। वितरण नेटवर्क, कंपनी के पास 1,000 से अधिक वितरकों और खुदरा विक्रेताओं का नेटवर्क है। 1,000 से अधिक SKUs का प्रबंधन करती है। कंपनी 20+ देशों में निर्यात करती है। विनिर्माण इकाइयाँ इसकी Q1 FY25 तक कंपनी के पास पाइप निर्माण के लिए 5,86,000 मेट्रिक टन पर एनम और पिछड़े एकीकरण के लिए 3 लाख MTPA संचयी क्षमता वाली 5 इकाइयाँ हैं। बहुत बड़ी क्षमता है कंपनी के पास। कंपनी एक मान्यता प्राप्त स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी चर्चा करेंगे। मार्केट कैप है जो इसकी 4,462 करोड़ की है।
डिविडेंड 0.10% देती है कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.40% है, जिसे हम काफ़ी अच्छी कहेंगे, कैपिटल पर रिटर्न है जो 23.40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा लाभ होता है ये 18.80% है, इसको भी हम अच्छा कहेंगे, फेस वैल्यू 2 रुपये है, कंपनी 0 डेट है, ऋण मुक्त है, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 50.30% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी की एवरेज है जो 25.50% है, कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 साल की तुलना में 22.60% है, कंपनी का किसी तरह का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी तरह का भी कोई नजर नहीं आया, रत्नामणि मेटल्स, उषा मार्टिन जैसी इसकी पियर्स कंपनी है, हम सीधा सीधा टाटा आयरन भी बता सकते थे, लेकिन जो जिस तरह का ये काम करते हैं उसमें रत्नामणि मेटल जो उषा मार्टिन ही पियर कंपनी मानी जाएंगी। कंपनी ने अच्छा Q1 FY25 के रिजल्ट पेश किए हैं, June 23 और June 24, सेल है जो 505 करोड़ से 515 करोड़ हो गई, OPM 7% से 8% हो गया, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से 31 करोड़ हो गया, तो दोस्तों ग्रेजुअल ग्रोथ है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, एकदम अनाप शनाप तो नहीं बढ़े ये शेयर, लेकिन आगे काफ़ी संभावना है, पिछला साल इनका थोड़ा सा खराब ही गया, सभी पाइप कंपनियों का, उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। FY23 और FY24 के हम रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं, सेल है जो 1547 करोड़ से बढ़कर 2039 करोड़ हो गई, अच्छी खासी इंक्रीज है, नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से 113 करोड़ हो गया, शानदार रिजल्ट्स हैं दोनों, चाहे ईयर ऑन ईयर है चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे पेश कर रही है कंपनी। इसके अब हम पैरामीटर्स भी चेक करेंगे, 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 67% है, 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 77% है, 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, 3 वर्ष का स्टॉक CAGR है जो वो 40% है, जो काफ़ी अच्छा है, तो FD पे तो 8-9% तक ही जाता है, ज़्यादा ज़्यादा 10% अगर आप कहीं और भी लगाते हैं तो, इवन म्यूचुअल फंड्स पे भी 15 की एवरेज ही आ रही है पिछले कई साल से, शेयर कैपिटल 35 करोड़ है, रिजर्व 739 करोड़ के हैं, 35 करोड़ पे 739 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास, बोरिंग 20 करोड़ की है, 6 करोड़ की इसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी 6 करोड़ की, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अच्छी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, हेल्दी है, कैश फ्लो प्लस 57 करोड़ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल रेवेन्यू गया या आया उसके बाद भी प्लस 57 करोड़ है, जिसको हम हेल्दी कैश फ्लो कहेंगे, गुड मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट गुड है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है जो 48.91% है, FII 9.80% है जो 5.82% से बढ़कर 9.80% हुई है, DII 0.30% था जो 1.89% हो गया, पब्लिक के पास 39.41% शेयर है, मजबूत फंडामेंटल है। अब हम JTL शेयर के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे, दाम 231 रुपये हैं, बाउंड वीक हाई एंड लो 278 रुपये और 167 रुपये है, EPS 6 रुपये है, P 32 है, सेक्टर PE भी 32 है, JTL के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स देखे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं, 400 रुपये तक जा सकता है दिवाली तक, ऐसा बाजार के जानकारों की आवाज़ है। JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार को 3 अक्टूबर को 2024 को आयोजित की गई है, कंपनी इक्विटी शेयरों के सब डिविजन और स्प्लिट पर विचार करेगी, और दूसरी इसकी न्यूज ये है कि कंपनी का अपने शेयर धारकों को बोनस देने का भी प्रस्ताव है, 2 विश्लेषक है, दोनों खरीद की राय दे रहे हैं, एक मजबूत खरीद है, एक खरीद की बात कर रहे हैं, बेचने की कोई बात नहीं कर रहा, इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए,
2 साल में डबल होने की यहाँ से पूरी संभावना है। आप इस पर विचार कर सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों से बात कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, फिर थोड़ा बहुत निवेश भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट्स आपको पसंद आती होंगी। तो दोस्तों इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।